आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास टू में हिंदी पढ़ेंगे और चैप्टर एट पढ़ेंगे। चैप्टर एट में हम लोगों को शिक्षाप्रद कहानी दिया है, यानी कि शिक्षा पर आधारित कहानी दिया है। और ये इस चैप्टर का नेम है दर्जी की सीख, यानी कि दर्जी की कहानी पे हम लोगों को मतलब सीखना है, शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। उस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग ये अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोले हैं इसको पहले पढ़ लेते हैं। बोले हैं, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है, यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तब हम लोगों को ज्ञान होता है। तो यानी कि जब तक हम लोग अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को ज्ञान नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक दिन विद्यालय में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पे चला गया। यानी कि एक दर्जी था, ठीक है, और उसका एक बेटा था, और वो बेटा मतलब किसी विद्यालय में पढ़ता था। तो एक दिन उसका विद्यालय में छुट्टी थी, तो वो मतलब क्या किया कि वो अपने पिता की दुकान पे चला गया। वहाँ जाकर वह बड़े ध्यान से अपने पिता को काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि उसके पिता कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैर के पास टांग से दबा कर रख देते हैं। और उसने मतलब देखा कि उसके पिता कपड़े को कैंची से काटते हैं और काटने के बाद उस कैंची को अपने पैर से यानी कि टांग पे मतलब दबा के रख देते हैं या रख लेते हैं। फिर सुई से उसको सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। और उसके बाद जो कपड़ा मतलब कैंची से काटे रहते हैं उसको मतलब सुई से सिलते हैं और सिलने के बाद सुई को अपने मतलब टोपी में लगा लेते हैं। जब उसने इस क्रिया को 4-5 बार देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिता से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाहता है। जब मतलब दर्जी के बेटे ने अपने पिता को देखा ऐसे काम करते हुए मतलब, तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता से बोला कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा बोलो क्या पूछना चाहते हो। अब मतलब वो जब बेटा बोला कि पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो मतलब उसके पिताजी बोले कि बेटा बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो। बेटा बोला, पिताजी मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ, आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची को पैर के नीचे दबा देते हैं। मतलब बेटा मतलब बोला कि पिताजी मैं बड़ी देर से मतलब देख रहा हूँ कि जब भी आप कपड़ा काट रहे हैं तो कैंची को क्या कर रहे हैं, पैर से दबा दे रहे हैं। और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे टोपी पर लगा लेते हैं, ऐसा क्यों। और वो बोला कि मतलब कैंची से आप कपड़ा काट रहे हैं तो कैंची को पैर से दबा ले रहे हैं, और सुई से कपड़ा सिल रहे हैं तो सुई को अपने टोपी में लगा ले रहे हैं, ऐसा क्यों। मतलब उसके मन में आ रहा था कि मतलब टेबल पे ही कैंची को क्यों नहीं रख दे रहे हैं, या सुई को दोनों एक पास ही क्यों नहीं रख रहे हैं, सुई को मतलब टोपी में लगा ले रहे हैं और कैंची को पैर से दबा दे रहे हैं। इसका जो उत्तर उसके पिता ने दिया उन दो पंक्तियों में मानो उन्होंने ज़िंदगी का सार समझा दिया। यानी कि उसके पिता ने जो उसे उत्तर दिया और मतलब दो पंक्तियों में उसके पिता ने उसे उत्तर दिया और वो जो उत्तर उन्होंने दिया ना वो ज़िंदगी का सार यानी कि सारांश मतलब ज़िंदगी का उदाहरण समझा दिए उत्तर था। और उसके पिता ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर क्या था, देखिए, बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है, और काटने वाले का स्थान हमेशा नीचा होता है परंतु जोड़ने वाले का स्थान हमेशा ऊपर होता है। उसके पिता ने उत्तर दिया कि कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है, तो हमेशा काटने वाले का स्थान हमेशा नीचा होता है और जोड़ने वाले का स्थान हमेशा ऊपर होता है,
यही कारण है कि मैं कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ तथा सुई को टोपी पर लगाता हूँ। तो मतलब उसके पिता ने बोला कि इसी कारण से मैं कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ और सुई को टोपी में लगा लेता हूँ। तो आप लोग फैमिली में भी अगर देखते होंगे कि किसी किसी फैमिली में कोई कोई होता है जो मतलब फैमिली को मतलब क्या बोलता है कि मतलब तोड़ता है, और कितना लोग है फैमिली को जोड़ता है। तो जो तोड़ता है फैमिली को अलग अलग करता है उसका स्थान हमेशा नीचे ही रहता है, वो सबकी नज़र में नीचे रहता है। वही जो फैमिली को जोड़ता है उसका स्थान हमेशा ऊँचा रहता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो गलत कार्य करता है और उस गलत कार्य के अपेक्षा जो सही कार्य करता है उसका स्थान हमेशा ऊंचा होता है। तो अब आप लोगों की स्टोरी, ये कहानी ख़त्म हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पेज में, और इसको मतलब एक बार बुक को मतलब रिवीजन दे दीजिएगा, इस तरह बुक भी आपको पढ़ने आएगी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में मतलब कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम लोग इस कहानी से क्या सीखे हैं, हम लोग इस कहानी से सीखे हैं सही कार्य करने वाले का स्थान गलत कार्य करने वाले से हमेशा ऊपर होता है। आप लोग खुद देखे होंगे कि जो मतलब सही कार्य करता है और कोई गलत कार्य करता है तो मतलब गलत कार्य करने वाले की अपेक्षा सही कार्य करने वाले का स्थान हमेशा ऊपर होता है या ऊंचा होता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली है कि सही कार्य करने वाले का स्थान गलत कार्य करने वाले की अपेक्षा हमेशा ऊंचा होता है। तो उसके बाद आप लोग तो इस कहानी से समझ गए कि क्या शिक्षा मिली है हम लोगों को। तो अब चलिए शब्दार्थ, इस शब्दार्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रिया का मतलब होता है काम, जिंदगी का मतलब होता है जीवन, सार का मतलब होता है सारांश या मूल तत्व, सीना का मतलब होता है सिलना। अब चलिए प्रश्न उत्तर में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को लिखना है। तो नंबर कम में देखिए, विद्यालय की छुट्टी के बाद दर्जी का बेटा कहाँ गया, तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा, विद्यालय की छुट्टी के बाद दर्जी का बेटा कहाँ गया। तो आप लोग कहानी में पढ़े हैं कि विद्यालय की छुट्टी के बाद दर्जी का बेटा वो अपने पिता की दुकान पे गया, तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, विद्यालय की छुट्टी के बाद दर्जी का बेटा अपने दुकान पे गया, अपने दुकान पर गया। उसके बाद नंबर ख में देखिए, दर्जी कैंची और सुई को कहाँ कहाँ रखता था, तो दर्जी आप लोग कहानी में पढ़े हैं कि दर्जी कैंची को अपने पैर के नीचे और सुई को अपनी टोपी में मतलब लगा के रखता था। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आप लोग लिखिएगा, दर्जी कैंची को पैर के नीचे दबाकर और सुई को टोपी में लगा के रखता था। नंबर ग में देखिए, कैंची तथा सुई क्या क्या काम करती हैं, तो आप लोग कहानी में पढ़े हैं कि कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे कि कैंची काटने का काम करती है तथा सुई जोड़ने का काम करती है। नंबर घ में देखिए, दर्जी ने किसके स्थान को ऊपर बताया है, तो आप लोग कहानी में पढ़े हैं दर्जी ने जोड़ने के स्थान को ऊपर बताया है, यानी कि जो सही कार्य करता है उसका स्थान ऊपर होता है। तो हम लोग लिखेंगे, दर्जी ने सुई के यानी कि जोड़ने के स्थान को ऊपर बताया है। नंबर अंग में देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं पहले ही बताई हूँ कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो सही कार्य करता है उसका हमेशा गलत कार्य करने वाले के स्थान से उसका स्थान ऊपर होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सही कार्य करने वाले का स्थान गलत कार्य करने वाले की अपेक्षा ऊपर होता है। अब नंबर टू में आइए, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो सही है उसके सामने हम लोगों को सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उसके सामने हम लोगों को गलत का चिन्ह लगाना है। नंबर कम में देखिए, विद्यालय की छुट्टी वाले दिन दर्जी का बेटा पार्क में घूमने गया,
ये क्या ये सही है? विद्यालय की छुट्टी वाले दिन दर्जी का बेटा कहाँ गया था? वो तो अपने पिता के दुकान पे गया था। तो यहाँ पे तो लिखा गया है कि बेटा पार्क में घूमने गया था, ये क्या है? गलत है। नंबर ख में देखिए, दर्जी कैंची को कुर्सी के ऊपर रखता था। दर्जी कैंची को कहाँ रखता था? कुर्सी के ऊपर नहीं, दर्जी कैंची को पैर से दबा के रखता था। तो ये क्या है हम लोगों का? गलत है। उसके बाद नंबर ग में देखिए, दर्जी सुई को टोपी में लगा लेता था। तो क्या है? दर्जी सही में मतलब अपनी सुई को जिससे कपड़ा सिलता था उसे अपनी टोपी में लगा लेता था। ये हम लोगों का सही है। उसके बाद नंबर घ में देखिए, जोड़ने वाले का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जोड़ता है उसका स्थान हमेशा ऊपर रहता है, या जो सही कार्य करता है उसका स्थान हमेशा ऊपर रहता है। नंबर थ्री में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए शब्दों के हम लोगों को विलोम लिखना है। विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा लिखना है। जैसे में नंबर क में देखिए, जाना, तो जाना का विलोम क्या होगा? आना। उसके बाद नंबर ख में देखिए, ऊपर, तो ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे। उसके बाद नंबर ग में देखिए, काटना, काटना का विलोम क्या होगा? जोड़ना। नंबर घ में देखिए, प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। ये आप लोगों का मतलब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज बचा है उसको हम अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे सबसे पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और उसके बाद इसे याद भी आप लोग करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगा अगर पहले से याद किए रहेंगे तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।